नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश में। आप देख रहे हैं योर स्टॉक्स, जहां पर हम आपके सवालों का जवाब देते हैं। मैं हूं अंश भिलवार और मेरे साथ है मेरे सहयोगी प्रशांत पांडे और कविता थपलियाल, और अगले एक घंटे हम आपके सवालों का जवाब देंगे। तो पूछने का जरिया बता देता हूं, बेहद आसान है। आपको आपके स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा होगा, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने सवाल भेज सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमारे दूसरे सोशल साइट जैसे कि फेसबुक हुआ, ट्विटर हुआ और इंस्टाग्राम हुआ, वहां पर भी आप अपने सवाल भेज सकते हैं। और खासकर वो दर्शक जो हमें यूट्यूब लाइव देख रहे हैं, वो अपने कॉमेंट सेक्शन में भी अपने सवाल भेज सकते हैं, क्योंकि टाइम टू टाइम हम वहाँ से भी सवाल लेते रहते हैं। सवाल पूछने का फॉर्मेट भी बता देता हूँ, वो भी बेहद आसान है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ अपना नाम बताना है, आप कहाँ से हैं, कौन से स्टॉक में आपका निवेश है, कौन से भाव पर आपने लिया है, और खासकर आपका नज़रिया क्या है, आप लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं या शॉर्ट टर्म का नज़रिया है। इससे हमारे एक्सपर्ट्स गेस्ट को काफ़ी आसानी हो जाती है आपके सवालों पर जवाब देने के लिए। इसी के साथ हमारे गेस्ट को भी शामिल कर लेते हैं। ज्योजित फाइनेंशियल से हमारे साथ गौरंग शाह जुड़ चुके हैं और निर्मल बंग से आयुष मेहता जुड़ चुके हैं। नमस्कार, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास पेशकश में। चलिए सबसे पहले एक बाजार पर एक फट से मार्केट चेक ले लेते हैं। आयुष जी, आपके पास आना चाहूँगा। सबसे पहले निफ्टी देखा जाए तो 24,200 के आसपास ही मंडराता हुआ नजर आ रहा है, और ये तीसरा सेशन है जब इसके पास ही घूम रहा है। लेकिन अगर निफ्टी बैंक की बात की जाए तो इसका स्पेशल चार्ट अगर हम लेके आ सकते हैं स्क्रीन पर, तो निफ्टी बैंक अगर स्पेशल चार्ट देखें तो निफ्टी बैंक अपने 100 डीएमए के पास से अच्छा खासा रिकवर होता हुआ नज़र आया है पिछले सेशन में। और अगर इसे लास्ट 5 महीने में देखा जाए तो वहाँ से काफ़ी बार अच्छा बाउंस देता हुआ भी नज़र आया है। तो यहाँ पर क्या आपकी राय बनती हुई नज़र आ रही है? साथ ही साथ आज वीकली ऑप्शन एक्सपायरी भी है निफ्टी बैंक की, तो उस नज़रिए से आपका यहाँ पर क्या व्यू बन रहा है? पहले अगर निफ्टी की बात करें तो पिछले 3 दिन से निफ्टी एक रेंज में चल रहा है, ऊपर में 24,350 से 370 का एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, और नीचे में जो है 23 नीचे में जो सपोर्ट बन के आ रहा है वो तकरीबन 23,900 के लेवल का है, जो कि 50-day मूविंग एवरेज है। अगर हम आज की बात करें तो नो डाउट अभी निफ्टी ने अपना डेज हाई अटेम्प्ट किया है और अभी भी डेज हाई पे आ गया है 24,180 के लो टच करने के बाद। इसमें जो मेजर रेजिस्टेंस जोन रहेगा निफ्टी में है वो है 24,380 का। जैसे निफ्टी अगर 24,380 निकल के ऊपर की तरफ ट्रेड करना शुरू करता है तो ही हम इसमें एक फ्रेश ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि निफ्टी में ऊपर 24,700 तक के लेवल दिखा सकता है, लेकिन नीचे में 24,180 का सपोर्ट एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। बैंक निफ्टी की भी बात करें, बैंक निफ्टी पिछले 3 दिन से एक ही रेंज फॉलो कर रहा है, ऊपर में 50,700 और नीचे में तकरीबन 49,800 का लेवल है। बैंक निफ्टी में जैसा कि आपने सही कहा, 100-day मूविंग एवरेज का बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, जो कि आता है 49,625 पे। बैंक निफ्टी ने अपना 100-day मूविंग एवरेज इलेक्शन वाले दिन टच किया था, उससे कुछ टाइम के बाद नहीं टच किया, तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहेगा। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी नीचे लेवल से 49,950 का लो बना के एक रिकवरी दिखा रहा है। 50,400 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस पॉइंट रहेगा, जो कि आज का डेज हैवी है, और अगर ये क्रॉस कर रहा है तो ऊपर में बैंक निफ्टी में 50,600 से लेकर 50,800 तक के लेवल्स भी देख सकते हैं। जी बिल्कुल, ये थी अहम राय आयुष तरफ से। लेकिन गौरांग जी, आपके पास भी आना चाहूंगा। फंडामेंटली देखें, अर्निंग सीजन तो चालू ही है, ग्लोबल मार्केट में भी काफी वॉलिटिलिटी नजर आ रही है, साथ ही साथ कल आरबीआई की मीट का डिसीजन भी आने वाला है, तो फंडामेंटली यहां पे क्या बनता हुआ नजर आ रहा है बाजार में? बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए, सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो पिछले 9 बार से जो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी का वक्तव्य रहा है और जो घोषणा उसके पश्चात माननीय आरबीआई गवर्नर दास साहब ने हमारे और आपके समक्ष में रही है, वो है विराम लेना ब्याज दरों में। तो हमारा अनुमान ये कहता है कि कल भी शायद एक और विराम वाला दिन होगा, लेकिन जो परिस्थितियां इस सोमवार से विश्व भर के अर्थव्यवस्था में खड़ी हुई, खास करके जो बातें सुनने में आ रही थी मंदी की चपेट में अमेरिका आ रहा है यानी कि रिसेशन में, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन थोड़ा बहुत और तनाव हो रहा है, और जापान ने जो मौके के बाहर जाकर के ब्याज दरों में वृद्धि की और येन कैरी ट्रेड्स को लेकर के जो दुविधा खड़ी हुई है उस पर माननीय गवर्नर साहब का उनकी क्या विचार है, उनके वक्तव्य क्या है, और उनके अनुमान के हिसाब से हमारी परिस्थिति यहाँ पर किस प्रकार की है। हमारा मानना है कि इन सब बातों पर ज्यादा महत्व दिया जाएगा। ब्याज दरें मेरे ख्याल से एक न्यूट्रल टू अकोमोडेटिव अप्रोच जो रहा है पिछले 8 बारी वो ही रहेगा,
और जो टिप्पणियां गवर्नर साहब करेंगे ब्याज दरों की कटौती को लेकर के, वो मेरे ख्याल से वही होगी जो हमने सुना है कि इट विल बी डेटा डिपेंडेंट, यानी कि अगर आंकड़ों ने सहारा दिया और ये सहारा अगर लंबी अवधि तक हमने देखा तो शायद तब जाकर के ब्याज दरों में कटौती दिखाई देगी। बाजार पर अगर आप निफ्टी स्पॉट की बात करें तो मेरा अनुमान यह कहता है कि 24,350 और 24,400 ये बहुत ही अहम है। अगर हम इसको पार कर देते हैं और इसके ऊपर जाकर के बंद देते हैं तो मेरे ख्याल से ऊपर के तरफ का दायरा थोड़ा बहुत और खुल जाएगा, लेकिन पड़ाव बहुत सारे हैं यहां से लेकर के 25,000 तक, तो ये भी हमें ध्यान में रखना होगा। लेकिन खरीदारी के लिए बेहतर मौका है। हम काफी बार सबसे खराब और बुरी परिस्थिति से सबसे पहले उभरे हैं, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, महामारी 2020 में थी और हम किस प्रकार से उभरे हैं। तो अगर आपकी विचारधारा लंबी अवधि के लिए, तो हमें लग रहा है कि ये खरीदारी का अच्छा मौका है, पूरी ताकत लगा करके नहीं लेकिन किश्तों में। चलिए, तो यहाँ पर स्टैगर्ड तरीके से यानी किस्तों में आपको पैसे लगाने की सलाह दी जा रही है बाजार में हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स के जरिए। और अब वक्त हो चला है दर्शकों को जोड़ने का, और राजस्थान से वासु हमारे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल बढ़िया मैम। बताइए वासु, आपने किस स्टॉक पे खरीदारी कर रखी है और किस भाव पर? यूपीएल लिमिटेड ओके, और 590 590। वासु कितना समय देना चाहते हैं? बिकॉज मैं देख रही हूँ शायद आपकी बहुत पुरानी खरीद यस मैम। है ना? ओके, 3 महीने से ज़्यादा पुरानी खरीद है आपकी ये क्लियरली। अब और कितना समय आपको इसको देना है, क्योंकि अकॉर्डिंगली हम या तो चार्ट्स चेक करेंगे या फंडामेंटल्स चेक करेंगे, बताइएगा। बताइए, जब जब होल्ड करूँ सेल करूँ? तो एक नियर टर्म आउटलुक हम ले लेते हैं आयुष। देखिए, नतीजे यहाँ पर इम्प्रेसिव नहीं रहे हैं, और हालांकि प्राइसिंग प्रेशर्स अभी भी परसिस्ट करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो कमेंट्री आई है कंपनी की तरफ से, काफ़ी हद तक कहा गया है कि वॉल्यूम में अक्रॉस ज्योग्राफीज कुछ रिकवरीज आती हुई देखी हैं। लेकिन अब क्योंकि इनकी 590 की खरीदे काफ़ी ऊंचे भाव पे ख़रीदा हुआ है, और हम देख रहे हैं एक तिमाही से ज़्यादा के समय में एक बहुत रेंज बाउंड मूवमेंट है इस पर्टिकुलर स्टॉक की, तो अब नियर टर्म आउटलुक अगर इनको सजेस्ट करना चाहें आप, तो किस स्टॉप लॉस के साथ सजेस्ट ये, और किस तरह का मूव इस पूरे स्टॉक में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं चार्ट्स की बदौलत? यूपीएल की बात करें तो नो डाउट इसमें एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का इसमें एक रेजिस्टेंस है, जो बार बार ये 580 के आसपास फेस करता है काफी टाइम से। इसमें एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन जो बन के आता है 520 का है, जो कि इसका 100 डे मूविंग एवरेज भी है। मुझे लगता है 520 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। अगर ये 520 ब्रेक करता है तो इसमें और इसमें सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है। 550 के ऊपर इसमें थोड़ा पॉजिटिव है, जो कि अपने 50 और 20 डे मूविंग एवरेज जो कोइंसाइडेड है अपने अंदर, वहां से एक रिवर्सल दिखा सकता है। तो 580 के ऊपर ही इसमें फ्रेश ब्रेकआउट आएगा, 520 का अपने को स्पॉट इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक है, तो ये है रणनीति यूपीएल पर आपको मिलती हुई। चलिए बढ़ते हैं आगे, हरपाल जी को शामिल करते हैं, गुजरात से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरपाल जी नमस्कार, गुजरात में कहां से बात कर रहे हैं? गुजरात में गुड मॉर्निंग सर, गुजरात में मैं पाटन से बोल रहा हूँ जी। पूछिए, किस स्टॉक पे आपका सवाल है? IDBI मैंने 101 के बाद 91 शेयर है मेरे पास। ठीक है, ये लगता है आपने 1 अगस्त को खरीदारी की है, 1 अगस्त के आसपास? हाँ हाँ बस ठीक है, तो हमें जरा नजरिया बताइए, कितना रुकना चाहते हैं आप स्टॉक में? शॉर्ट टर्म के लिए 1 या 2 महीने। ठीक है, शॉर्ट टर्म का नजरिया इस वक्त आता हुआ इनके ऊपर, हाल फिलहाल की ही खरीद है। चलिए आयुष, मैं आपके पास आना चाहूंगा, 1 से 2 महीने का इनका नजरिया है, 101 के भाव पे इन्होंने IDBI को परचेज किया है, बताइए क्या आने वाले वक्त में संकेत मिल रहे हैं? जी, IDBI का चार्ट थोड़े टाइम पहले से काफी पॉजिटिव था, लेकिन 108 रुपए के लेवल से इसमें हमें सेलिंग प्रेशर हमें देखा है। इसमें जो एक मेजर सपोर्ट जोन IDBI में बन के आता है वो है 83 रुपीज का। अगर मुझे लगता है 83 यहाँ से 10 रुपये और नीचे है, 83 रुपीज का अगर सपोर्ट ब्रेक डाउन देता है यहाँ से, तो IDBI में गिरावट बढ़ सकती है। 95 के ऊपर स्टॉक वापस निकल के ट्रेड करेगा तो अपने स्विंग रेजिस्टेंस को पार करेगा, तो इसमें वापस एक ऊपर की रैली देख सकते हैं, तो नीचे में आपको 83 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाना है। बिल्कुल, ये थे अहम लेवल्स आयुष जी के तरफ से IDBI पर, लेकिन इसी के साथ शो को आगे बढ़ाते हैं और रुक कर लेते हैं हमारे अगले सेगमेंट ऑप्शन के चैंपियन की ओर। तो हमारे साथ एंजल वन से स्नेहा सेठ जी जुड़ चुकी है, तो नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या है आज का आपका पिक?
सो इंडिविजुअल काउंटर्स में अगर हम भारतीय एयरटेल देखें, ये काउंटर रिसेंटली काफी समय से अपने 20 डेमा के ऊपर ही चल रहा था. कल के दिन उसको ब्रीच किया है और उसके नीचे ही क्लोजिंग दिया है. आज फॉलो अप सेलिंग भी देखने को मिल रही है. मुझे लग रहा है कि यहाँ से थोड़ा और सेलिंग प्रेशर रह सकता है भारतीय एयरटेल में. सो आई वुड रिकमेंड कि यहाँ पे पुट ऑप्शंस बाय करके ट्रेड कर सकते हैं. यहाँ पे करंटली आपको एक 1420 की जो पुट है वो बाय करनी है 2021 के रेंज में. स्टॉप लॉस 9 का रहेगा, टारगेट 41 के रहेंगे. स्टॉप लॉस एंड टारगेट मेंशन जो ड्रॉस हो सकता है ये पर्टिकुलर स्ट्रेटजी में, दैट विल बी 5700 और जो प्रॉफिट पोटेंशियल है दैट विल बी 9500. शुक्रिया करेंगे स्नेहा आपका इस अहम रणनीति के लिए. तो भारतीय एयरटेल पर ऑप्शन की रणनीति, यहाँ पर 1420 की पुट आपको खरीदनी है जो कि 20 या 21 रुपए के आसपास आपको मिलेगी. लक्ष्य 41 का, स्टॉप लॉस 9 रुपए का, अधिकतम मुनाफा 9500 तक का, अधिकतम नुकसान 5700 तक का यहाँ पर आपको हो सकता है. चलिए इसके साथ ही सेबी का रिस्क डिस्क्लोजर आपके लिए लेकर आते हैं जो इसके जोखिमों के बारे में बताता है. इसलिए फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह और तमाम जो तैयारी है उसको देखकर ही इसमें ट्रेडिंग की सलाह दी जाती है. चलिए बढ़ते हैं आगे. हाल ही में एक कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने ग्रेटर नोएडा में स्पर्श ग्लोबल बिजनेस स्कूल के नए कैंपस का उद्घाटन किया. इस नए कैंपस में ग्रीन एरिया, अत्याधुनिक सुविधाएं, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ भारत और यूएस की अनुभवी फैकल्टी है. स्पर्श कैंपस का निर्माण छात्रों को व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करने के लिए किया गया है. स्पर्श ग्लोबल बिजनेस स्कूल का लक्ष्य जागरूक पूंजीवाद और जिम्मेदार उपभोक्तावाद पर ध्यान केंद्रित करते हुए बिजनेस एजुकेशन में उत्कृष्टता प्रदान करना है. वी आर वेरी हैप्पी टू इनॉग्रेट आर न्यू कैंपस इन ग्रेटर नोएडा फॉर एजुकेशन इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट. We as a group have transformed and paved the way from corporate to education to hospitality. This particular campus is a green campus with state-of-the-art facility, having a residential program for students. The faculty is renowned faculty. The board of governors are experienced in the field of management, having experience of at least 10 to 15 years, 20 years. We have also have on board faculty from universities in USA, from University of Copenhagen, Singapore, etc. This particular campus is a very unique campus. We are trying to inculcate practical learning which is being imparted through various laboratories. Now these laboratories are not kind of a scientific laboratories. They are management laboratories which will inculcate practical knowledge for the students. Phone line par hai. नमस्कार तरुण, बताइए जी. किस गुड मॉर्निंग मैडम. जी गुड मॉर्निंग सर. किस स्टॉक में खरीदारी कर रखी है, किस भाव पर? जी मैडम, मेरा कॉनकोर पे सवाल है और मेरे पास 60 शेयर हैं 1110 के भाव से और लॉन्ग टर्म का व्यू है लगभग 2 से 3 साल का, तो उस पर जानकारी लेनी है सर. चलिए, कॉनकोर 2 से 3 साल का आपका व्यू है और बाइंग प्राइस आपकी जो है 1110. चलिए गौरांग मेरे ख्याल से हमारे साथ है. गौरांग आपके रडार पे है ना? जी कविता जी, खरीदारी की राय है कॉनकॉर पर, यानी कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. और पिछले साल अगर आपको याद होगा कविता, तो इस कंपनी को लेकर के विनिवेश की भी काफी सारी बातें सरकार के तरफ से हमने सुनी थी, लेकिन फिर जमीनी स्तर पर कुछ हुआ नहीं. एक अच्छी बात जो हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से पूरे भारतीय रेल के जो नेटवर्क है उसमें लास्ट माइल कनेक्टिविटी की जो तकलीफ है उसको दूर करने का प्रयास जोर शोर से जारी है. लैंड पार्सल इसके पास काफी है, इस कंपनी के पास, उसके तहत मेरे ख्याल से और अब जिस प्रकार से इस्तेमाल होगा रेल नेटवर्क का, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स का, इस कंपनी की जो प्राथमिकता है यहाँ पर, उसके कारण जो नतीजे हैं आने वाले भविष्य में वो और भी सकारात्मक आ सकते हैं.
अब इनका नजरिया ये बता रहे हैं, 1-2 साल का है, बने रहे, अच्छा नजरिया है, लेकिन अगर समय की पाबंदी नहीं है तो फिर से एक बार जानकारी लेकर के, फिर आपको अगर रुपये की जरूरत नहीं है तो आप बने रह सकते हैं, अन्यथा फिर आप अपने हिसाब से कामकाज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल बने रहे। ठीक है, तो फिलहाल बने रहने की आपको सलाह यहां पर और एक बेहतर रणनीति आती हुई गौरांग सर की तरफ से। बढ़ते आगे, ONGC की हमने शुरुआत में भी बात की थी और आपको बताया था कि जबरदस्त तेजी आज ONGC में देखने को मिल रही है। निफ्टी 50 गेनर्स में टॉप पर है और आज की इस तेजी की आखिर वजह क्या है, मेरे सहयोगी जिनय बताने के लिए जुड़ चुके हैं। जिनय, जरा बताएं आखिर इस तेजी के ट्रिगर्स क्या हैं। जी, तो ONGC के तेज़ी के पीछे कई हमें ब्रोकरेजेस नोट देखने मिल रहे हैं। CLSA ने अपने आउट परफॉर्मेंस रेटिंग दिया है, उसका जो टारगेट प्राइस है वो 330 है। वहीं BNK सिक्योरिटीज़, इन्वेस्टेक, जेफरीज, इनसे भी बाय रेटिंग आ रही है, वहीं टारगेट प्राइस जो है 400 से 412 रुपीज़ तक दिख रहा है। अगर हम स्टॉक की बात करें तो पिछले एक महीने में 10% का रिटर्न, 6 महीने में 20% का रिटर्न देखने मिला है, वहीं एक साल में करीब करीब 90% का रिटर्न देखने मिला है। एनालिस्ट का भी व्यू देखता है तो मैनेजमेंट में जो है अपना जो गाइडेंस था KG बेसिन प्रोडक्शन के लिए वो Q3 से रैंप अप होगा, और मैनेज एनालिस्ट का मानना है कि ये जो प्रोडक्शन गाइडेंस है मैनेजमेंट की तरफ से वो काफ़ी पॉजिटिव है, और इसमें जो एग्जीक्यूशन वो एक की वॉचआउट फैक्टर रहेगा। उसी के अलावा ऑयल प्रोडक्शन जो है वो करीब करीब एनालिस्ट को 12% से इंक्रीज़ होता हुआ दिख रहा है, वही गैस प्रोडक्शन में जो है 27% की तेज़ी आते हुए दिख सकती है। और अगर हम वैल्यूएशंस की बात करें तो एनालिस्ट्स को लगता है कि करंट वैल्यूएशन काफ़ी अट्रैक्टिव है, और जो नियर टर्म ट्रिगर है वो हेल्दी डिविडेंड यील्ड हो सकती है। क्या करेंगे जिन्हें आपका इस अहम जानकारी के लिए। तो ऑयल एंड गैस सेक्टर को देखें तो सबसे सस्ते वैल्यूएशन की बात की जा रही है, तमाम ब्रोकरेजेस की वजह से जो तेजी है उनकी रिपोर्ट की वजह से वो साफ तौर पर स्टॉक में एक एक्शन हम देख रहे हैं। उत्पादन को लेकर भी पॉजिटिविटी बनी हुई है और कई और फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आज ONGC में रफ्तार देखने को मिल रही है। चलिए, इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे